करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहित विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। ठाकुर हमर रमण बिहारी हम हैं रमण चुके रमण बिहारी के कोई।
भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, दुर्गा माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, शिव पुराण महोत्सव की, सद्गुरुदेव भगवान की, सर्वसंत हरिभक्तन की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर नित्यं महिषं रजद्विर्निभं चारुचन्द्रावदंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मराद्भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तास्तुतमगरेण्याग्रकृतिं वशानम् विश्वादं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं आशुतोष नील लोहित भगवान सदाशिव आदि शक्ति परांबा भगवती भवानी परम आदरणीय परम पूज्यपाद प्रातः स्मरण श्री गुरु सद्गुरुदेव भगवान संतविंद विप्रविंद प्रभु प्रेमियों और चैनल के माध्यम से श्रवण करते हुए कथा का सभी भक्त के चरणों में नमन करते हुए सबको जय श्री कृष्ण। भगवान आशुतोष की मंगलमयी कथा सूत जी महाराज के श्रीमुख से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज ऋषि को श्रवण कराते हुए कहते हैं, शौनक नारद जी महाराज भगवान आशुतोष की अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो वो दोनों रुद्रगण रास्ते में उनको मिल गया। दोनों रुद्रगण ने कहा, प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने आपको आपकी हंसी उड़ाई, आपका मजाक किया। सद्गुरुदेव भगवान द्वारा रचित काशी कलापाचार्य जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् गोपाल विलास में लिखा है, संतन से हासी कर जोई, रौरव निशानी जानो सोई। मेरे भाई बहन,
संतों से हंसी कभी मत कर, मजाक मत कर। इसका परिणाम आप लोगों ने भागवत में भी श्रवण किया होगा कि द्वारिका के समस्त राजकुमार संतों के पास जाकर के शाम्ब को ले गए, पेट में कपड़ा बांध करके, और उनसे ये पूछा कि महाराज ये बताओ ये जो दुल्हन है ये बहुत शर्मीली है, इसके गर्भ से लड़का होगा या लड़की? संतों ने ज्ञान चक्षु के द्वारा अवलोकन करते हुए और उन्होंने देखा कि अरे ये तो हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, और उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया कि जाओ इसके गर्भ से न लड़का होगा न लड़की, और इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न, और वही मूसल समस्त यदुवंशियों का नाश का कारण बन गया। तो कभी भी किसी संत का मजाक मत उड़ाना, किसी संत से हंसी मत करना। दोनों रुद्रगण नारद जी के उन स्वरूप को बंदर का रूप देख करके हंसी उड़ाए, और नारद जी ने श्राप दे दिया जाओ तुम असुर हो जाओ मृत्यु लो। उन्होंने क्षमा अब मांग रहे, अपराध किया, अपराध का फल प्राप्त करने के बाद अब क्षमा मांग रहे, महाराज मुझे क्षमा कर, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गई, गलती हो गई। नारद जी ने कहा होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम हो ही देव ऋषि बाणी
अब ये अशस्त्र तो हो नहीं सकता, लेकिन हम तुम लोगों को ये आशीर्वाद जरूर देते हैं कि जाओ विश्रवा के गर्भ से वीर्य से तुम लोग असुर कुल में जन्म लोगे और तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान श्री हरि स्वयं अवतरित होकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम्हारा नाम रावण और कुंभकर्ण के नाम से मृत्यु लोक में विख्यात। एक बात आप ध्यान देना, संत क्रोध करती है तो उनके क्रोध के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे ये बाबा तो बड़ा गुस्सेल है, बड़ा गुस्सा आता, बड़ा क्रोध करता है। लेकिन भैया उस क्रोध के पीछे भी कोई कारण है, कोई ना कोई कृपा होने वाली है। नारद जी महाराज दोनों रुद्रगण को आशीर्वाद, उनको आशीर्वाद दे करके और वहां से अनेक अनेक शिव तीर्थों में भ्रमण करते हुए ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज मैं अपनी गलती की प्रायश्चित करते हुए अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए सदाशिव का दर्शन करते हुए और मैं आपके चरणों में आया हूं, आप कृपा करके भगवान शिव की उन लीलाओं को, भगवान शिव की शिव तत्व का और भगवान शिव के विषय में हमें आप बताएं। श्रवण करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद तुम सदैव जगत के उपकार के उपकार में लगे रहते हो, तुमने जगत के लोगों की हित के लिए बहुत सुंदर उत्तम प्रश्न किया। जब महाप्रलय हुआ तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार,
उस समय कुछ भी नहीं, न रात न दिन, न अग्नि न जल, न शब्द न स्पर्श, न रूप न गंध, न सत्य न असत्य, सब कुछ समाप्त हो गया, केवल एक सत्य बचा था, जिसे मुनिजन अपने हृदय के अंदर ही देखते हैं, जो वाणी नाम रूप रंग वहां पर किसी भी वस्तु का प्रवेश नहीं है, पहुंच नहीं है। तुमने उस परब्रह्म परमात्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधन को जब सृष्टि का समय आने पर एक बात आप समझ लें, जो कुछ भी सब के सब शिव रूप ही है, शिव तत्व ही है। जब सृष्टि का समय होता है, तो एक से अनेक हो जाता है, एको हम बहुश्याम, और वही अनेक होने के कारण फिर उन्हीं से संकल्प उत्पन्न होता है। एक बार भगवती पराम्बा आदि शक्ति पार्वती जी के साथ भगवान भोलेनाथ विराजमान, भगवान भोलेनाथ के मन में कुछ लीला करने की इच्छा हुई, पराम्बा आदि शक्ति से कहा बाबा ने, देवी कुछ लीला करने की इच्छा जिसमें तुम्हारा सहयोग चाहिए। और जब लीला करने की भगवान शिव की इच्छा हुई, तो भगवान शिव ने अपने मन से काशी को प्रकट किया। कहती हैं कि काशी जो है ये पृथ्वी पे नहीं है, जब भगवान को लीला करने की इच्छा होती है तो ला करके पृथ्वी पर भगवान काशी को रख देते, अब प्रलय काल में
उस काशी को अपने त्रिशूल पे धारण कर ले। काशी का कभी नाश नहीं होता। महाप्रलय काल में भी नाश नहीं होता। इसका तीन नाम वाराणसी, काशी और आनंदवन। भगवान शिव का नित्य धाम काशी। काशी धाम अपार जलती जा शंकर शंकर। Yeah.
काशी जो है भगवान शिव का नित्य धाम, एक बार लीला करते करते विहार कर रहे थे आनंद वन में शिव और शिवा, तो मन में एक दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा प्रकट, और वही इच्छा से भगवान शिव ने अपने दसवें अंग में अमृतमय जब उन्होंने अमृत माला, तो एक सुंदर सा पुरुष प्रकट कर, जो शांत असत्य गुणों से युक्त था, गंभीर और समस्त कांतियों से तेज से इंद्र नीलमणि के समान श्याम वर्ण था। उसका शरीर दिव्य आभाओं से
चमक रहा था। नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरा नाम आप निश्चित कीजिए। मेरा नाम क्या हो? ये सुन करके भगवान शिव हंस करके बोले कि जो सर्वत्र व्याप है, इसलिए आपका नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। तुम यहां पर स्थिर होकर के तप करो। तप ही सभी साधनों का उपाय है। ऐसा कह करके भगवान शिव तो वहां से शिवा को लेकर के चले गए और उसके पश्चात भगवान विष्णु 12 वर्ष तक वहां दिव्य तप किए। अब तपस्या जब 12 वर्ष तक उन्होंने किए तो उनके शरीर से, भगवान विष्णु के शरीर से अनेकों जलधाराएं प्रवाहित हुई। उस जल में सारा आकाश व्याप्त था। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने शयन किए। और जब उन्होंने शयन किया तो इसीलिए जल में शयन करने के कारण उनका नाम नारायण हो गया। और तभी से सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति, उसके तीर्गुण उत्पन्न हुए, अहंकार उत्पन्न हुआ, उसमें शब्द रस रूप रस गंध ये 5 भूत प्रकट हुए। उनमें ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय ये सब प्रकट हुआ और 24 तत्व प्रकृति के प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उसी जल में से जहां भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, तो उसी भगवान नारायण के उस जल में से एक विशाल कमल प्रकट हुआ। क्योंकि भगवान शिव ने अपनी लीला के द्वारा इस तत्व को भगवान नारायण के उदर में स्थापित की और तब उसमें से एक विशाल कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस
कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव। अब ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुख घुमा करके देखी, वो कहां है मेरे जन्म देने वाला, कहां है। चारों तरफ मुख घुमा करके देखने के कारण उनका चार मुख हो गया ब्रह्मा जी। अब वो कहीं दिखाई नहीं दे, तो ब्रह्मा जी ने कमल के नाल के सहारे सहारे नीचे तक गए, अतल तलातल सुतल महीतल, लेकिन कहीं भी उसका जर नहीं मिला, छोर नहीं मिला कमल के डंडी का। तब आकाशवाणी हुई, मोक कहां धूरे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोक कहां धूरे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोक कहां कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी बद्री, कभी केदार, कहां है, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी चर्च में, कहां है। जिन खोया जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पर जिसे खोजने की प्रयत्न किया वो तो पा लिया, लेकिन पाया कहां, गहरे पानी पर। हम ऊपर ऊपर खोजते हैं, दिल की आईने में, दिल की आईने में,
गर्दन झुकाई और देख ली, गर्दन झुकाई और देख ली, कहाँ है वो मेरे भाई? वो कहीं और नहीं है जो तू खोज रहा है। रेत को देख करके हिरण सोचता है वहां पे जल होगा और दौड़ता, और दौड़ करके जब समीप पहुंचता है तो वहां जल नहीं, वहां तो रेत है। फिर दूर देखता है चमकते हुए रेत को, सोचता है यहां पर तो होगा, फिर दौड़ता है, फिर जाता है, लेकिन वहां भी जल नहीं। दौड़ते दौड़ते थक जाता है, लेकिन उसे जल नहीं मिलता। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवाए, कस्तूरी लेकिन हिरण को पता नहीं है कि मेरे नाभि में कस्तूरी है, जिस कस्तूरी के खुशबू को लेकर के मैं ढूंढ रहा हूं, भटक रहा हूं, दौड़ रहा हूं, वो और कहीं नहीं मेरे नाभि में। अज्ञानतावश ओ मृग ढूंढता है, मोक कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोक कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।